अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और ये गाड़ी की पिछली सीट है जहाँ पर ये चॉकलेट का निशान है। दोस्तों अभी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि आज करीम ने मेरी आईडी कर दी ब्लॉक। अच्छा, रीज़न क्या है? कल मैंने एक लोकल जो कस्टमर थी, फीमेल थी, उसे पिक किया और जब वो आकर मेरी कार में बैठी तो मेरी गाड़ी को इस तरह देखकर तो बोलती है कि तुम्हारी जो गाड़ी बहुत यानी गंदी है। मैंने पूछा कि कैसे गंदी है, तो वो बोलती है कि इधर उधर देखकर, तो वो बोलती है कि यहाँ सीट के ऊपर जो चॉकलेट के निशान जो लगे हुए हैं। मैंने इस तरह करके देखा तो ये आपको दिखाया पहले भी, तो ये चॉकलेट का निशान था। तो मैंने बोला कि जाहिर है फैमिलीज भी यूज़ करती हैं गाड़ी, तो किसी बच्चे ने चॉकलेट खाकर तो वो लगा दिया होगा। एनीवेज आपकी जहाँ बैठी हैं वहाँ पर तो नहीं है ना कोई ऐसा चॉकलेट का निशान? तो वो मुझे बोलती है नहीं, यहाँ पर चॉकलेट का निशान है और तुम जो गाड़ी को साफ़ नहीं करते। मैंने कहा मैं जो है ना डेली जो है ना गाड़ी को साफ़ करता हूँ, फिर मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। एनीवेज उसने मेरी मुझे 1 स्टार दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी आईडी ने ब्लॉक करवाने के लिए जो करीम को ईमेल किया वट एवर, सो जो भी किया, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करीम वालों ने मुझे क्या बोला कि स्मोकिंग, बैड स्मेल और जो है कार इज़ इन पुअर कंडीशन, जो भी वट एवर, सो ये आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन मुझे करीम की तरफ से आया और मेरी आईडी ब्लॉक कर दी गई। अभी तक मेरी आईडी ब्लॉक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फ़िलहाल मैं सिर्फ उबर यूज़ कर रहा हूँ अभी, और ये आप देख रहे हैं ये क्रीम है। अभी मैं इसको ऑनलाइन करता हूँ, ये मैंने इसको ऑनलाइन किया। ओह माशाल्लाह, आईडी खुल गई, मुबारक हो। ये आप लोगों की, आप दोस्तों की मोहब्बत है, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की सपोर्ट है। तो ये भी मेरी आईडी खुली है, सुबह फर्स्ट टाइम जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरी आईडी बंद थी। खैर अभी मैं आपको स्टोरी पूरी सुना दूँ। तो मैं मुझे ये एक अच्छी बात हुई कि करीम वालों ने मुझे एक लोकेशन सेंड की कि आप यहाँ पर जो है ना वर्कशॉप पे जाएं, वो वर्कशॉप वाले आपकी जो गाड़ी को जो चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, अगर कहीं पर कोई फॉल्ट नज़र आता है वर्कशॉप वालों को तो वो आपको जो है ना रिकमेंड करेंगे कि ये चीज़ को आप इम्प्रूव करें। खैर मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, मैं वहाँ चला गया और वो जो है ना वो लड़का जो था वर्कशॉप वाला, वो जो नेपाल से था, बड़ा अच्छा लड़का था, तो उसने मेरी गाड़ी देखा, उसने कहा यार कोई किस वजह से ब्लॉक हुई है? तो मैंने बोला ये चॉकलेट के निशान की वजह से। वो बोलता है यार ये कोई रीज़न तो नहीं है। खैर एनीवेज ये स्टोरी थी आज की मेरी, कि जो सुबह से अभी तक मेरी आईडी जो है ना ब्लॉक थी, और अभी आप दोस्तों को वीडियो बनाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आईडी ऑन हो गई है। तो बहुत शुक्रिया, ये एक अपडेट थी, मैंने कहा आप तक पहुंचाऊं। अगर आप जो करीम जो चला रहे हैं यूएई में, या आगे आपका प्लान है उबर करीम में आने का, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि कस्टमर छोटी छोटी बात पर कंप्लेन करता है, स्पेशली जो है ना जो करीम वाले हैं ना वो आपकी बात नहीं सुनते, इमीडिएटली आपकी आईडी ब्लॉक कर देते हैं और आपको रिकमेंड कर देते हैं वर्कशॉप में। बाज़ औक़ात 2-3 दिन आईडी भी ब्लॉक रहती है कि वो विदाउट आपको कॉल भी कोई नहीं आती, आप वेट करते रहते हैं, ईमेल करते हैं, कोई जवाब नहीं आता। ऑफ़िस वैसे ही जो है ना अब कोविड की वजह से अबू धाबी में ऑफ़िस बंद हैं। तो आप अगर आगे प्लान कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि जो है ना ये ऐसे कस्टमर भी मिलते हैं और उनको हैंडल करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।